अमेरिका जो नहीं चाहता था रूस ने वो कर दिखाया। भारत और चीन के बीच दोस्ती की यह तस्वीर अब अमेरिका को डरा रही है, क्योंकि दुनिया की तीन बड़ी शक्तियां, तीन बड़ी सुपर पावर एक साथ आ गई है। रूस, चीन और भारत का यह संगम पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में तबाही ले आया है। मोदी साहब की और शी जिनपिंग की मुलाकात आज रात नहीं तो कल हो गई। अब ये जो 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है, जिसमें एक बात बताऊं आपको मैं, ये मल्टीलैटरल फोरम्स में इंडिया और चाइना का मुख्तलिफ जगहों पे होना, इट गिव्स देम टू रिजॉल्व देयर बायलैटरल डिस्प्यूट्स। वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत को प्रेशर, भारत पे प्रेशर पड़ नहीं रहा है। अभी भारत क्या करेगा कि ब्रिक्स का इस्तेमाल करके अमेरिका के ऊपर उल्टा प्रेशर डालेगा। यहां पे बात होगी मल्टीलैटरलिज्म के, यहां पे बात होगी कि क्यों हम एक ही देश को सुपर पावर माने। आओ हम लोग कोलैबोरेट करते हैं, आओ हम लोग कोऑपरेट करते हैं। दो बड़े राइवल्स इंडिया और चाइना, तो इन दो बड़े राइवल्स को इकट्ठा कर दिया किसने? प्रेसिडेंट पुतिन ने। ब्रिक्स में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी डिनर के दौरान इकट्ठे हुए हैं। ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं। अब इंडिया के साथ जो मैं बात कर रहा था, इंडिया और चाइना इतने ज्यादा बायलैटरल फोरम्स में मिलते हैं कि उनको मुलाकात उनकी होती होती है। थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर द इंडियंस, बट अमेरिकन्स आर लुकिंग इट वेरी केयरफुली। अगर चाइना और इंडिया के मसले सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या चीज है? जारी बात है, अमेरिकन्स की परेशानी तो होगी। इंडिया ब्रिक्स जैसे जो समिट्स होते हैं, ब्रिक्स जैसी जो एक एक प्लेटफॉर्म होते हैं, उसमें इंडिया अमेरिका को यह दिखाने की कोशिश करता है कि देखो यार, हमें तुम ना पाकिस्तान मत समझना। वो दुनिया को, वो लीडर्स को, सबको वहां पर ये बता रहे हैं, ये देखो ये लोग हमें देख रहे हैं, कम इकट्ठे हैं। क्या ये इस तरह का कोई इंडिकेशन है? लेकिन ये तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आपको तो पता ही है, ब्रिक्स मीटिंग से पहले भारत और चीन के बीच बहुत बड़ा विवाद हल हो चुका है। 2020 की पोजीशन पे भारतीय और चीनी सैनिक चले जाएंगे, और काफ़ी सारे विवाद जो बने हुए थे 2020 के बाद की, चीनी और भारतीय सेना एक सामने हैं, ठीक है, 1-to-1 मिरर डिप्लॉयमेंट है, भारत के 2 टैंक तो चीन के 2 टैंक, भारत की 10,000 सेना तो चीन के 10,000 सेना आमने सामने खड़े, वो पोजीशन अब इतनी तनावपूर्ण थी, वो अब कैंसिल हो गई, ख़त्म हो गई, दोनों देशों के बीच समझौता हो गया, ठीक है। और ब्रिक्स में ये तीनों देश, भारत, चीन और रूस, दृढ़ता के साथ खड़े हैं और एक नया ग्लोबल वैश्विक ऑर्डर बनाने को तैयार है। अब इसको लेके जाहिर सी बात है, चाइना, भारत और रूस जब एक साथ हैं तो बड़ी शक्तियाँ एक साथ हैं। अमरीका इसको लेके डरा हुआ है, डरा इसलिए हुआ है कि अगर ये तीनों महाशक्ति एक साथ आ गई तो आराम से अमेरिका को काउंटर कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। अगर भारत, चीन और रूस मिल गए तो किसी भी क्षेत्र में ये अमेरिका को इजीली, और अमेरिका के ग्रुप को भी, जो अमेरिका ने यूरोप को लेकर ग्रुप बनाया, उसको भी काउंटर कर सकते हैं। तो अमेरिका के अंदर खौफ है, अमेरिका चिंतित है भारत और ब्रिक्स को लेकर कि इनका कद ना बढ़ जाए, ये हमें टक्कर ना देने लगे, ये हमें पीछे ना छोड़ने लगे। बड़ी खबर आ रही है रूस से, जहां आज पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात होगी। शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच कजान में दोनों नेताओं की मुलाकात होनी है। मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी और दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। अब ये जो 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है, जिसमें एक बात बताऊं आपको मैं, ये मल्टीलैटरल फोरम्स में इंडिया और चाइना का मुख्तलिफ जगहों पर होना, इट गिव्स देम टू रिजॉल्व देयर बायलैटरल डिस्प्यूट्स। हमारा इंडिया के साथ किसी भी फोरम के ऊपर हमारी कन्वर्सेशन नहीं होती। यू थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर दी इंडियंस, बट अमेरिकन्स आर लुकिंग इट वेरी केयरफुली। अगर चाइना और इंडिया के मसले सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या चीज़ है? जारी बात है, अमेरिकन्स की परेशानी तो होगी। दूसरी तरफ चाइनीज़ को ये बड़ी परेशानी है कि इंडिया जो क्वाड का मेंबर बना है, इस क्वाड का मेंबर बनने की वजह से चाइना, इंडिया, अमेरिकन्स की जो एक्सपेंशन है खित्ते के अंदर, ये चाइनीज़ को इसी से डर आता है। डर ये नहीं है कि चाइनीज लड़ नहीं सकते, डर ये है कि किसी तरीके से रोका जाए उन ममालिक को, या उनको कन्विंस किया जाए, उनको इंगेज किया जाए कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, हम आपके साथ जो है, हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं जा रहे। अब चाइना और इंडिया की जो क्लोज कम्युनिकेशन है, इट्स अ मैसेज फॉर द अमेरिकन फ्रॉम द इंडियन साइड दैट वी नीड योर सपोर्ट ऑन बायलैटरल थिंग्स, मल्टीलैटरली हम आपके साथ चाइना के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। लेकिन चाइना को ये बताया कि हम मालाबार एक्सरसाइजेस भी करते हैं, हम तुम्हारी इंडो पैसिफिक में राज ना को नहीं मानते। जैसे पाकिस्तान इंडिया के बारे में कहता है ना कि हम इंडिया को खित्ते का पुलिसमैन या चौधरी नहीं बनने देंगे, इसी तरह इंडिया चाइना को कहता है कि हम इस खित्ते में तुम्हें चौधरी नहीं बनने देंगे। सो ये चीज़ है। आप देखते हैं कि हाउ फर्दर थिंग्स अनफोल्ड,
कैसे चीजें अनफोल्ड होती हैं विद द मुस्लिम कह रहा हूँ इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि ये अब शी जिनपिंग से जो मुलाकात है ये भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा अमेरिका के आर्क राइवल ईरान, उसके साथ भी मोदी साहब मिल रहे हैं, ठीक है। और मोदी साहब हर वो काम करते हैं जो अमेरिका को जारी बात है they don't like it, but... उन्होंने कहा कि एक तरफ मैं बिठाऊंगा मोदी को और एक तरफ मैं बिठाऊंगा शी को, और मैं दुनिया को ये बताऊंगा कि ये देखो मैं इंडिया और चाइना को करीब ले आया हूँ, मैं इंडिया और चाइना को साथ ले आया हूँ। तो ये है दास्तान जो कि अभी तक हमें पता चली। क्या बायलैटरल मीट होगी साइडलाइन जो प्रेसिडेंट शी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच, तो वो भी हमें पता चल जाएगा, नजर आएगा कि क्या दोनों के बीच ऐसी कोई मुलाकात होती है। आज का दिन भी बड़ा अहम है, लेकिन देखिए कि जो ये है ना सिचुएशन, इसके बारे में कुछ जो सवाल इस वक्त उठाए जा रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन की एक तो ये कि ये जीत है कि उन्होंने वो उनको वेस्ट की तरफ से आइसोलेट नहीं किया जा सका, कोशिशें की गई लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने ये एक बहुत बड़ा इकट्ठ करके दिखा दिया। 36 से ज्यादा दुनिया के बड़े लीडर्स इस वक्त रशिया में ब्रिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पुतिन को आइसोलेट नहीं किया जा सका, लेकिन इससे ज्यादा बढ़कर इसमें ये बात की जा रही है कि ये एक क्या इकोनॉमी का टिल्ट है। ऐसी बड़ी इकोनॉमीज एक जगह पर अगर जमा हो रही हैं तो क्या ये काउंटर बैलेंस है, क्या ये वेस्ट को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। फिर इसके अंदर ये भी है कि क्या ऐसा किया जा सकेगा। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर ये जो ब्रिक्स है इसके अंदर काफी कंट्रीज ऐसे हैं कि जिनकी आपस में नहीं बनती, आपस में राइवल्स भी हैं और डिस्प्यूट्स भी हैं। तो क्या एक इस प्लेटफॉर्म पर आकर एक ऐसी सिचुएशन में वो अपने तमाम जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भुला देंगे कि उन्होंने अब जो दुनिया का एक ऑर्डर है उसको चेंज करना है, इसके लिए क्या कोई इतने बड़े टिल्ट नजर आएंगे कि इंडिया ब्रिक्स जैसे जो समिट्स होते हैं, ब्रिक्स जैसी जो एक प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें इंडिया अमेरिका को ये दिखाने की कोशिश करता है कि देखो यार हमें तुम ना पाकिस्तान मत समझना। मैं आपको आसान शब्दों में समझा रहा हूं दोस्तों, ऐसा है नहीं कि इसने कभी भारत ने कभी ऐसी बात बोली होगी या डॉक्टर जयशंकर साहब ने कभी ऐसी बात बोली होगी, दे विल नेवर से दिस। ये मैं आपको एक आसान शब्दों में, जिसको घुट्टी है ना, ये घुट्टी है, ये मतलब कि आराम से पच जाए, लेकिन है 100% सच। यार अमेरिका प्रेशर डालता भारत के ऊपर और अलग अलग किस्म के नाना प्रकार के प्रेशर डालता, वो ये भी कर दो ये भी कर दो। अच्छा हमें ये बात पता लगी है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश रॉ ने करी थी, अच्छा इंडिया को ये करना चाहिए, इंडिया को ये करना, अच्छा इंडिया को हमने इंजन देने थे तेजस के, वो हमने हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, हम 6 महीने बाद आपको इंजन देंगे। ये सारा का सारा ड्रामा अमेरिका करता है, सारा का सारा ड्रामा। एक तरफ कि डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, डिफाइनिंग पार्टनरशिप, इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक एलाय, इंडिया को हम वही अहमियत देते हैं जो नेटो को देते हैं, एक तरफ तो ये इनके गाने चलते हैं अमेरिकन्स के। बट मोदी साहब डज इट बिकॉज उसको ये है, जैसे कहेंगे ना कि उनको क्या परवाह है, वो कहते हैं हमें ईरान के साथ ताल्लुक चाहिए, क्योंकि ईरान इंडिया ने अमेरिकन्स को ये कहना शुरू कर दिया कि आप हमारी बात माने, हम ईरान को लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपके भी काम आएगा। लेकिन याद रखिए जितने प्रॉब्लम अमेरिका की और ईरान की है ना, इंडिया उन चीज़ों को नहीं सुलझा सकता, ठीक है ना जी। अब एक और सवाल पैदा होता है, एक तमाशा लग जाए, एक शोर मच जाए अगर एक ट्राइलेटरल समिट हो जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन, मोदी एंड शी जिनपिंग हो। ये सुनने में आ रहा है कि ये एक समिट होने वाली है। अगर इंडिया चाइना के रिलेशंस में ये चीजें होती हैं, ये इंडिया चाइना ये ट्राइलेटरल समिट होती है, तो समझे आपके बेसिकली जो अमेरिकन कहते थे, आपको याद है जैक सुलिवन रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने आए, उन्होंने मोदी साहब से ये कहा, उन्होंने कहा इस चीज को छोड़ दें, इस चीज के बारे में सोचना बंद कर दें कि रशिया आपकी मदद करेगा अगर चाइना ने अटैक किया। दोस्तों अमेरिका हर जगह चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ अमरीका ही दिखे, हर जगह अमरीका ही दुनिया को कंट्रोल करे, अमरीका ही ग्लोबल ऑर्डर चलाए, अमरीका ही जिसको जो कहे वो वैसा ही हो। लेकिन भाई ये दुनिया वैसी नहीं रही, ठीक है, ये दुनिया बहुत बदल चुकी है। इस दुनिया में अब कई सारे महाशक्ति हैं, सिर्फ अमेरिका ही महाशक्ति नहीं है। ये ब्रिक्स के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई है। रूस यही चाहता है कि नाटो की तरह ब्रिक्स को बनाया जाए, ठीक है, ब्रिक्स का एक्सपेंशन भी रूस इसीलिए चाहता है। लेकिन अब ब्रिक्स का एक्सपेंशन होता है इतनी तेज़ी से होना क्या सही है, ये तो आने वाले समय में इसका जवाब मिलेगा। लेकिन भारत को लेकर भी अमरीका चिंतित है। अमरीका ये सोच रहा है कि भारत को हम चाह रहे हैं चाइना से लड़वा दें, लेकिन भारत तो चाइना से लड़ ही नहीं रहा, भारत तो चाइना के साथ मसले प्यार मोहब्बत से हल कर रहा है।
तो अगर प्यार मोहब्बत से हल होगा तो भारत और चीन तो दोस्त बन जाएंगे, फिर फ़ायदा कैसे उठाएगा अमेरिका इसका? अमेरिका तो चाहता है, क्योंकि चीन का नंबर वन दुश्मन अमेरिका है, अमेरिका का नंबर वन दुश्मन चीन, अमेरिका चाहता है कि चीन को भारत के थ्रू फंसा दे, भारत चीन लड़ ले, चीन का इधर से ही घाटा हो जाए, हम क्यों लड़ें? लेकिन ये सीन अब हो नहीं पाएगा, क्योंकि भारत यहाँ कूटनीति से खेल रहा है और चीन के साथ लड़ने नहीं वाला। भारत प्यार मोहब्बत से ही बातें अगर हल हो जाए तो लड़ना ज़रूरत क्या है?